बहुत ज्यादा खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब इसका ये नहीं हुआ कि घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना। आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट सो आई एट द लंच लाइक अ हॉर्स का मतलब ये हुआ मैंने आज लंच बहुत ज्यादा खाया। तो फ्रेंड्स कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत ज्यादा खाना, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब थोड़ा खाना, जैसे आपने कहा कि अरे व्हाई आर यू ईटिंग लाइक अ बर्ड, मतलब इतना थोड़ा क्यों खा रहे हो, थोड़ा क्यों खा रहे हो, थोड़ा और खाओ, ज्यादा खाओ। तो उस इंग्लिश में कहते हैं ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब थोड़ा खाना खाना। पिक एट वंस फूड, पिक एट वंस फूड का मतलब खाने का मन नहीं होना, तो हल्का फुल्का खाना। जैसे आपने कहा कि माई ब्रदर गॉड आई स्कोल्डिंग फ्रॉम माई मदर बिकॉज ही वॉज पिकिंग एट हिज फूड का मतलब ये हुआ कि मेरी मम्मी उसे आज मेरे भाई को डांटा क्योंकि वह खाना बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहा था, मतलब खाना ऐसे ही चुन रहा था, मतलब खाने का उसका मन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था खाने का। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पिक एट वंस फूड। वर्क अप एन एपेटाइट होता है भूख बढ़ाना, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, जिससे आपकी भूख बढ़ती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्क अप एन एपेटाइट। जैसे आपने कहा साइजिंग इन जिम वर्क्स अप माय एपेटाइट, मतलब जिम में एक्सरसाइज करके मेरी भूख बढ़ जाती है। वैसे फ्रेंड एपेटाइट का मतलब होता है भूख, जैसे आपको बोलना है मुझे भूख नहीं लग रही है, आई डोंट फील लाइक एपेटाइट, आई डोंट फील लाइक एपेटाइट का मतलब मुझे भूख नहीं लग रही। फ्रेंड्स पेटू को इंग्लिश में ग्लटन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा खाता है उस इंसान को हम लोग ग्लटन कहते हैं। बहुत ज्यादा खाना तो ईट लाइक हॉर्स, जो खाने में तुनक मिजाज हो, जैसे कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे पराठे चाहिए, इस तरह के फ्रेंड्स पर्सन को हम लोग कहते हैं फिनिकी ईटर। जैसे आपने कहा माय ब्रदर इज रियली फिनिकी ईटर, दैट्स व्हाई ही ऑलवेज गेट्स अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद।